हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एक्टिविटी में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए और फिजिक्स के ऊपर विश्वास करते हुए मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। मेरे पास एक भारी भरकम सबल है जिसे कि हम लोग डिगिंग बार कहते हैं। इसका वेट 4 kg है। इसे मैं अपनी चेस्ट के ऊपर रख के हैमर के साथ बीट करूंगा। ये मेरे पास एक पोटैटो है। इस पोटैटो को इस बार के साथ काट देते हैं। ओह माय गॉड, एक ही पल में इसके 2 टुकड़े हो गए। अ वेरी हैवी वेरी स्ट्रॉन्ग बार इज विद मी। इस 4 kg की डिगिंग बार को मैं यहां पर चेस्ट पे लगा रहा हूं। अंदर कोई आर्मर, कोई सेफ्टी नहीं पहनी हुई, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये सीधा मेरे हार्ट में डिग कर जाएगी। आई एम हिटिंग इट हियर एंड नाउ। इस सब देखिए, मेरे फादर हैमर के साथ इसे हिट करेंगे। जितना जोर से आप हिट कर सकते हैं हिट करिएगा। एक चीज देखिए कि मैं यहां पर इसको कम से कम सपोर्ट दे रहा हूं, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है। सो आई एम गिविंग जस्ट सपोर्ट टू होल्ड इट। फिजिक्स की वजह से मैं अभी भी सेफ हूं। कारण क्या है? इस बार का वेट 4 kg है और ये जो हैमर है इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 0.175 kg है। यानी कि इनकी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 23 है। मींस दिस बार इज 23 टाइम्स हैवियर देन हैमर। नाउ बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर विल रिमेन सेम। मोमेंटम ऑफ दिस हैमर विल बी ट्रांसफर टू दिस बार। बट क्योंकि हैमर का मास कम है, हैमर का मास बार के मुकाबले में 23 टाइम्स कम है, इसलिए जो स्पीड इस बार को ट्रांसफर होगी वो भी 23 टाइम्स कम होगी। मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, इसलिए इस बार की वेलोसिटी इतनी नहीं हो पाती कि वो मेरी स्किन को मेरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सके। मैं इसका उल्टा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं हैमर को यहां पे रख के इस बार के साथ हिट करूं, तो उस केस में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ये हैमर मेरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस कैन। जब मैंने हैमर को रखा नीचे और बार को उसके साथ हिट किया, तो आज की इस एक्टिविटी में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया। इसी तरह से फिजिक्स को आम जिंदगी में अप्लाई करने के लिए बने रहिए हमारे साथ।